Hello students, today we are going to discuss about the topic Rules are for everyone. Your sixth lesson name is Rules are for everyone. मतलब जो हमारी सोसाइटी में रूल्स बनाए गए हैं उसे सबको क्या करना है, वैसे ही फॉलो करने हैं. सबके लिए एक जैसे ही रूल बनाए जाते हैं. सो देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में ऐसे कौन से रूल है जो इस लेसन में आपको दिए हैं. कैन यू टेल, क्या आपको पता है? फर्स्ट, कैन यू टेल सम ट्रैफिक रूल्स, क्या आपको कुछ ट्रैफिक रूल पता है? गिव रीजन व्हाई वी शुड ओबे दिस रूल, और जो रूल्स बनाए हैं वो हमें क्यों फॉलो करने हैं, जो ट्रैफिक के कुछ रूल है वो हमें क्यों फॉलो करने हैं. थर्ड, विच वन ऑफ दिस रूल्स डू यू फील नीड टू चेंज, और आपको ऐसा कौन सा रूल लगता है जिसको चेंज होना चाहिए. फोर्थ, व्हाट अदर रूल्स डू यू थिंक आर नीडेड टू बेटर डिसिप्लिन इन ट्रैफिक, और ऐसा आपको कौन सा रूल लगता है जिससे ट्रैफिक डिसिप्लिन अच्छे से फॉलो हो सकता है. सो यहाँ पे ये कुछ ऐसे ट्रैफिक के रूल्स दिए हैं, आपको उसके आंसर लिखने हैं. We follow traffic rules so that traffic moves smoothly. जो traffic rule है उससे हम क्या करते हैं, follow करते हैं, इसलिए है जो हमारी traffic है वो अच्छे से चल पाती है. नहीं तो हम इधर उधर गाड़ियाँ चलाएंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो सकते हैं, इसलिए हमें traffic के सभी rule follow करने पड़ते हैं. In the same way, there are rules of social life that tell us what each person should be doing. वैसे ही कुछ हमारी सोसाइटी में रूल बनाए जाते हैं जिसे हम सभी पर्सन हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. रूल्स नीड टू बी मेड ऑफ स्पेसिफाई ईच पर्सन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. रूल बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, ताकि हर एक पर्सन अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से संभाल सके, तभी सभी की लाइफ क्या हो सकती है, अच्छे से चल सकती है. इफ वी फॉलो द रूल्स अवर डे टू डे लाइफ बिकम डिसिप्लिन, वी कैन वर्क मोर इफिशियंटली. क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, मतलब हमारी रोजाना की डेली लाइफ में क्या है, कुछ डिसिप्लिन दिए है, डिसिप्लिन दिए है और रूल्स दिए है, वो डिसिप्लिन हम फॉलो करते हैं, इसलिए हमारा जो रोजाना का काम है वो अच्छे से चलता है. रूल्स आर, जैसे हमारे घर में सब लोगों की अपनी अपनी ड्यूटीज होती है, सब लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते हैं, इसलिए हमारा जो वर्क है रोजाना का वो अच्छे से चलता है. रूल्स आर मेड ऑफ एवरीबॉडी, सबके लिए सब एक समान रूल बनाए जाते हैं. दे अप्लाई इक्वली टू ऑल, और वो लोग अपना अपना रूल फॉलो करते हैं. नो वन इज अबाउ द रूल्स, डिस ओबेइंग द रूल्स लीड्स टू पनिशमेंट, और हम अगर कोई भी रूल तोड़ते हैं तो क्या होता है, पनिशमेंट होती है. जैसे हमारी स्कूल है, हमारे स्कूल में भी कुछ ऐसे नियम है, रूल्स है जिसे हम लोग फॉलो करते हैं, अगर उसे तोड़ते हैं, उस रूल को हम ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है. There is a discrimination in punishment for breaking rules in this way. Equality is the basis of rules. और सबके लिए सब नियम लागू होते हैं, और जो नियम फॉलो नहीं करता है उसे हम पनिशमेंट देते हैं. Changes in rules for the society. सभी सोसाइटी में क्या है, कुछ नियम है, सबके नियम, सब सोसाइटी में क्या है, कुछ नियम होते हैं, और सबके नियम अलग अलग होते हैं. देखते हैं अभी क्या है. अवर सोसाइटी वर्क अकॉर्डिंग टू सर्टन रूल्स, सबकी सोसाइटी में मतलब हम जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के लोग कुछ नियम बनाते हैं, कुछ रूल बनाते हैं. वी मेक द रूल्स अवर सेल्फ, वो रूल किस लिए होते हैं, हमारे लिए होते हैं. वी फॉलो दिस रूल बिकॉज दे आर मीन्ड फॉर कमिंग गुड, वो रूल क्यों बनाते हैं, ताकि हम सब उसे फॉलो कर सके और हम अच्छे से हमारी जिम्मेदारियां निभा सके.
Proper changes are also introduced in the rules made for society. There is a difference between the rules of society and laws of nature. ऐसे कुछ रूल्स है, और सभी के रूल क्या है, अलग अलग होते हैं, और जो हमारी नेचर के लिए और हमारा जो नेचर है उनमें भी ऐसे कुछ नियम लागू होते हैं। हमारी जो नेचर है उसमें भी कुछ रियल उसमें भी कुछ क्या है, रूल्स है जो हमारा नेचर वो फॉलो करता है। तो आगे देखेंगे कि हमारे नेचर में ऐसे कौन से रूल्स है जो हमारा नेचर फॉलो करता है। नेचुरल ऑकरेंसेस फॉलो लॉज ऑफ नेचर, वी कैन नॉट चेंज द लॉज ऑफ नेचर। जो हमारा नेचर है वो अपने रूल्स क्या करता है, फॉलो करता है, तभी हम क्या है अभी जिंदा रहते हैं। द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, जैसे सूरज क्या है रोज निकलता है और शाम को ढल जाता है, मॉर्निंग को निकलता है और शाम को वो ढल जाता है। अगर सूरज ऐसे नहीं करेगा तो क्या होगा, जो हमारी पूरी लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड द चेंज इन सीजन नेवर स्टॉप, और जो सीजन हैं, देखो समर के बाद फिर रेनी सीजन आता है, रेनी के बाद विंटर सीजन आता है, ऐसे ही ये सीजन चेंज होते रहते हैं। द लॉ ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी अर्थ पे वो है, इसलिए हम हमारी अर्थ पे खड़े हो सकते हैं। द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ टाइड्स, द फेजेस ऑफ द मून, वैसे ही मून क्या है रात को निकलता है और दिन में छुप जाता है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑकर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर, ये हमारे नेचर के सभी रूल है जो हमारा नेचर फॉलो करता है, तभी हम अच्छे से रहते हैं हमारी अर्थ पे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, नेचर लॉ आर कॉन्स्टेंट एंड फिक्स्ड, दे डू नॉट एवर बिकम आउटडेटेड। उनका नेचर क्या है, ये फिक्स्ड नेचर का क्या एक रूल है जो फिक्स्ड है, उसी रूल को वो सभी हमारे सन मून सभी फॉलो करते हैं, इसलिए हम अच्छे से हमारी अर्थ पे रह सकते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट।